आपको बताएं कि राजनपुर में कच्चे के इलाके में छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया है। छोटू गैंग के सरगना और पुलिस के दरमियान होने वाली गुफ्तगु 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। कच्चे के इलाके में छोटू गैंग के खिलाफ जारी ऑपरेशन अब रोक दिया गया है। ये जड़ा है, इसको आप गिरफ्तार कर लो वरना हम सब मुलाजिम को मार देंगे। अच्छा चलो चलो, ये कर रहे हैं तुमसे। अब ये जितने हमारे मुलाजिम हैं, ये आपके पास, तुम्हारे पास जो बड़े हैं, तुम्हारे सबके पास अमानत है। राजनपुर में कच्चे के इलाके में छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जो जारी था अब रोक दिया गया। ये गुफ्तगू आपने सुनी जो छोटू गैंग के सरगना और पुलिस के दरमियान हुई थी। गुफ्तगू की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवेस असलम से। अवेस असलम, बताइएगा, गुफ्तगू जारी थी, अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है, ऑपरेशन रोक दिया गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि 24 न्यूज ने ये डाकुओं और पुलिस के दरमियान होने वाली जो गुफ्तगू है वो हासिल कर ली है, जिसमें वाजे तौर पर सुना जा सकता है कि जो डाकू वो डिमांड कर रहे हैं कि ऑपरेशन को रोका जाए और जो जानू और खानू इंधड़ है उनको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद जो पिकट्स कायम की गई हैं उनको खत्म किया जाए। तो ये जो डाकुओं ने जिन पुलिस वालों को अगवा किया गया है उसको ये बाजियाब फिर करेंगे। अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो जब से ये पुलिस एहलकार जो है, जिनकी तादाद 25 बताई जा रही है, जो इस वक्त डाकुओं के कब्जे में है, उसके बाद जो पुलिस की जानिब से ऑपरेशन रोक दिया गया है। तमाम डाकुओं की जानिब से फायरिंग भी अभी भी की जा रही है, लेकिन पुलिस की जानिब से फिलहाल कोई फायरिंग नहीं की जा रही। और ऑपरेशन की बात की जाए तो ऑपरेशन अभी फिलहाल सुस्त रवि का शिकार है। पुलिस जो है वो अपने मोर्चों से थोड़ा पीछे हट गई है ताकि जो मकवी पुलिस एहलकार है उनको सही तरीके से बाजियाब करवाया जा सके। जी ठीक है अवेस असलम, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर अपने नाज़रीन को सुनाएंगे कि छोटू गैंग के अहलकार क्या गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे कब्जे में है, अगर हमारे साथ अगर भी कोई कदम आगे बढ़ाया तो